इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया पार्ट 10 फाइलम एकाइनोडर्मेटा। तो सबसे पहले एकाइनोडर्मेटा का मतलब समझते हैं, इस फाइलम के नाम का मतलब समझते हैं। एकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मा मीन्स होता है स्किन, यानी कि इस फाइलम के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी होती है, क्योंकि स्पाइनी एक्सोस्केलेटन होता है इनके पास में, जिसकी वजह से इनकी स्किन स्पाइनी अपीयरेंस देती है और इस वजह से इस फाइलम का नाम एकाइनोडर्मेटा रखा गया। एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दें अपने स्टूडेंट्स को कि एकाइनोडर्मेटा फाइलम के सभी ऑर्गेनिजम्स मरीन हैं, केवल और केवल सी और ओशन में मिलते हैं। तो शुरू करते हैं, इसके बेसिक और की फीचर्स पढ़ेंगे इस फाइलम के इस प्रेजेंटेशन में। प्लीज वॉच द वीडियो किंगडम एनिमेलिया पार्ट 1 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ बेटर वे। सबसे पहले इस फाइलम के बेसिक फीचर्स को स्टडी करते हैं। तो इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स के पास हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और एक बड़ी खास बात है इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में कि जो अडल्ट फॉर्म्स हैं उनके पास तो रेडियल सिमेट्री होती है, और जबकि जो लार्वल फॉर्म्स होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनकी। तो इसमें खास क्या बात है कि हम बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो जो बाइलेटरल सिमेट्री है वो एक एडवांस्ड फीचर है जो हमें लार्वल फॉर्म्स में दिखाई देता है, जबकि रेडियल जो सिमेट्री है ये एक प्रिमिटिव फीचर है जो हमें अडल्ट फॉर्म्स में दिखाई देता है एकाइनोडर्म्स के केस में। तो यानी कि मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये जो बॉडी सिमेट्री है ये रिवर्स गियर में चल रही है, यानी कि एडवांस्ड जो कंडीशन है उससे वो प्रिमिटिव कंडीशन की तरफ जा रही है। ये एक बहुत ही पेक्यूलियर फीचर हमें दिखाई देता है फाइलम एकाइनोडर्मेटा में। और फिर इस फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और सीलोमेटा हैं, ट्रू सीलोम डेवलप हो चुका है और उनके पास में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है। फिर से रिमाइंड करा देते हैं अपने स्टूडेंट्स को सभी को कि ये सारे पॉइंट्स हमने किंगडम एनिमेलिया पार्ट 1 में बहुत डिटेल में स्टडी करे हुए हैं, डिस्कस किए हुए हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम स्टारफिश के एनाटॉमी को बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही क्लियर, बहुत ही प्यारा डायग्राम है स्टारफिश का, और इसमें हम तीन सिस्टम्स को बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम और गोनेट्स इसमें दिखाएंगे हम। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम एकाइनोडर्म्स का एक की फीचर है, इस तरह का वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमें किसी और फाइलम में देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। तो शुरुआत करेंगे, तो हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरुआत करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के यहाँ पे कुछ पार्ट्स हमने दिखाए हैं। तो ये जो ओपनिंग है डॉर्सल सरफेस पर, अपर सरफेस पर, इस ये एनस है, यानी कि माउथ इसका यहाँ वेंट्रल साइड में होता है, नीचे की तरफ होता है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो माउथ है इट लीड्स टू स्टमक, ये इसका स्टमक है, और स्टमक से ये देखिए इंटेस्टाइनल ब्रांचेस आ रही हैं जो कि हर आर्म की तरफ जा रही हैं, और इंटेस्टाइनल ब्रांचेस से ये एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। तो ये डायग्राम बता रहा है हमें कि लोकली डाइजेस्ट होता है फूड और वहीं के वहीं हर आर्म में डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। और अब हम यहाँ पे आपको गोनेट्स दिखाएंगे, यहाँ पे ये इसके गोनेट्स दिखा रखे हैं स्टारफिश के, तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे इस इंडिविजुअल के। और अब जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, बहुत ही पेक्यूलियर एक सिस्टम है इसके पास में। तो ये इसके कुछ मेन पार्ट्स हमने दिखाए हुए हैं इस डायग्राम में। तो यहाँ पे देखिए ये फनल शेप्ड एक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देख रहा है, इसको हम मेड्रोपोराइट कहते हैं, और ये मेड्रोपोराइट फिर ओपन होता है एक सेंट्रल रिंग कैनाल में, और इस सेंट्रल रिंग कैनाल से फिर देखिए रेडियली एक ब्रांचेस इमर्ज होती हैं जिनको हम रेडियल कैनाल कहते हैं। तो हर आर्म की तरफ एक ब्रांच इमर्ज हो रही है ये सेंट्रल रिंग कैनाल से, जिन्हें हम रेडियल कैनाल कहते हैं, और हर रेडियल कैनाल से फिर देखिए बहुत ही न्यूमरस छोटे छोटे ये फीट इमर्ज हो रहे हैं जिनको हम ट्यूब फीट कहते हैं। यहाँ पर एक इसका मैग्नीफाइड डायग्राम ट्यूब फुट का एक का दिखाया हुआ है, तो इसको स्टडी कर लेते हैं। तो ये ट्यूब फुट यहाँ पे दिखाया हुआ है एकाइनोडर्म का, और ये ट्यूब फुट का ये स्वॉलन पार्ट है, फूला हुआ एक हिस्सा है जिसे हम एम्पुला कहते हैं, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसका जो है इसे हम पोडियम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरस एम्पुले हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये इसके पोडिया हैं, ये देखिए हर बहुत सारे न्यूमरस ट्यूब फीट के यहाँ पे पोडिया दिखाए हुए हैं।
तो वाटर का जो फ्लो होता होगा वह कैसे होता होगा, मैट्रोपोराइट से एंटर हुआ और यरिंग कैनाल से होता हुआ और फिर ये रेडियल कैनाल की तरफ बढ़ा और रेडियल कैनाल में फिर वो ट्यूब फीट के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल गया। और इस फ्लो के दौरान गैसियस एक्सचेंज हो जाता है इस ऑर्गेनिज्म में, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इस ऑर्गेनिज्म की लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। जिस तरफ इस ऑर्गेनिज्म को मूव करना होता है उस तरफ ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा वाटर का और ये ऑर्गेनिज्म उस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में भी हेल्प करता है इस वजह से ये ऑर्गेनिज्म अपने प्रे तक पहुंच पाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इस ऑर्गेनिज्म की फीडिंग में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से हमने इस डायग्राम की हेल्प से स्टारफिश की एनाटॉमी को स्टडी किया है। बिल्कुल ब्रीफ में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं। अब हम एकाइनोडर्म्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे, तो कुछ पहले बेसिक फीचर्स इसके देख लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एकाइनोडर्म्स में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है और ये इंडिविजुअल्स डाइशियस या यूनिसेक्सुअल होते हैं। जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। जो गैमिट्स होते हैं मेल और फीमेल जो एकाइनोडर्म्स हैं वो वाटर बॉडी में गैमिट्स को रिलीज कर देते हैं और फिर उन गैमिट्स का फ्यूजन एक्सटर्नल वाटर मीडियम में होता है। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं जो फीमेल बॉडी के बाहर होता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वल फॉर्म्स होती हैं और जो फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म्स होती हैं ये, तो जब भी कोई लार्वा एग्जिस्ट करता है किसी लाइफ साइकिल में तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल कहते हैं। और यहाँ ये देखिए डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ ये एक अडल्ट एकाइनोडर्म दिखाया हुआ है, तो मियोसिस के थ्रू गैमिट फॉर्मेशन होंगे और जो कि वाटर बॉडी में रिलीज कर दिए जाएंगे। यहाँ वाटर बॉडी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, एज अ रिजल्ट जाइगोट बनेगा। जाइगोट में कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस यहाँ पे दिखाई हुई हैं, ब्लास्टुला और गैस्टुला, और फाइनली ये फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म दिखाया हुआ है। और इस लार्वा में बहुत सारे चेंजेस होंगे, मेटामॉर्फोसिस होगी, एज अ रिजल्ट ये फाइनली एक अडल्ट एकाइनोडर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब हम फाइलम एकाइनोडर्मेटा के क्लासिफिकेशन को बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली क्लास है एस्टेरॉइडी। यहाँ एस्टर का मतलब ही होता है स्टार, तो इस क्लास के जो इंडिविजुअल्स हैं वो स्टारफिश होते हैं। स्टारफिशेस को हम इस क्लास में एस्टेरॉइडी में रखते हैं। और एक स्टारफिश की हम एक बहुत ही खास बात बता दें कि ये फीडिंग के समय अपने स्टमक को बाहर इवर्ट कर सकता है, पूरा बाहर निकाल सकता है और ऑर्गेनिज्म को सीधे वो अपने अंदर स्टमक में ले सकता है, एनगल्फ कर सकता है। तो ये एक बहुत ही पेक्यूलियर फीचर देखा जाता है स्टारफिश में। और यहाँ एक अपने स्टूडेंट्स को और बता दें कि ये बहुत ही अच्छी वीडियो है यूट्यूब पर, एकाइनोडर्म्स बॉडी प्लान एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और इस वीडियो का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फाइलम एकाइनोडर्मेटा की जो दूसरी क्लास है उसे हम एकिनोइडी बोलते हैं और इसमें हम सी अर्चिन्स को प्लेस करते हैं। सारे सी अर्चिन्स क्लास एकिनोइडी को बिलोंग करते हैं। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत हमने एक पिक्चर यहाँ पे एकिनोइडी की लगाई हुई है। तो इस तरह के इंडिविजुअल को हम सी अर्चिन कहते हैं जो क्लास एकिनोइडी को बिलोंग करते हैं। सी अर्चिन्स में हमें एक बहुत ही खास एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इनके जो माउथ पार्ट होते हैं इनको हम एरिस्टोटल्स लैंटिन बोलते हैं। एरिस्टोटल ने सी अर्चिन में बड़ा इंटरेस्ट दिखाया था और इनके ये जो च्यूइंग अपरेटस होते हैं माउथ में, ये बिल्कुल एक लैंटिन जैसा एक अपीयरेंस देते हैं, जिसकी वजह से इस अपरेटस को, इस स्ट्रक्चर को एरिस्टोटल्स लैंटिन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ये माउथ है और यहाँ पर ये माउथ के साथ में यहाँ पर ये कुछ कैलकेरियस प्लेट्स हैं, तो इन कैलकेरियस प्लेट्स की हेल्प से ये अपने फूड को च्यू करता है। तो ये च्यूइंग अपरेटस होते हैं सी अर्चिन्स में हमें देखने को मिलते हैं। और ये अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। हमने बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं।
अकाइनोडर्मेटा की जो तीसरी क्लास है वो हॉलोथ्रोइडी कहते हैं उसे, और सी कुकुम्बर्स इस क्लास को बिलोंग करते हैं। यहाँ हमने एक सी कुकुम्बर का एक पिक्चर लगाई हुई है, तो देखिए आप बिल्कुल इनकी जो बॉडी होती है कुकुम्बर जैसी होती है, खीरे जैसी होती है, जिसकी वजह से हम इसे सी कुकुम्बर कहते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को। यहाँ एक डायग्राम की हेल्प से आपको इसका एक बहुत ही की फीचर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ट्री लाइक एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे ये दिख रहा है, तो इसको हम रेस्पिरेटरी ट्री कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर की हेल्प से इन ऑर्गेनिजम्स में गैशियस एक्सचेंज होता है। यहाँ एक और बहुत ही पेक्यूलियर फीचर इस ऑर्गेनिज्म का बता देते हैं कि जब भी ये कोई थ्रेटनिंग फील करता है अपने एनवायरनमेंट में, तो ये अपने विसेरा को इवर्ट कर देता है, उसको फेंक देता है, बाहर निकाल देता है उसको। यहाँ विसेरा का मतलब ये होता है इंटरनल ऑर्गन्स, इन इंटरनल ऑर्गन्स के पूरे जो कलेक्शन होता है उसे हम विसेरा कहते हैं। तो जब भी इसको किसी डर का आभास होता है, किसी खतरे का आभास होता है, तो उस खतरे से बचने के लिए अपने आप के विसेरा को बिल्कुल बाहर फेंक देता है। तो अगर कोई प्रेडेटर आ रहा है तो वो उस विसेरा की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और ये इंडिविजुअल अपने आप को बचा लेगा। तो इसे हम कहते हैं ई विसरेशन। ई मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे विसेरा रिमूव हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम ई विसरेशन बोलते हैं। और ये जब ये ई विसरेशन हो जाएगा तो कुछ ही दिनों में ये अपने विसेरा को रीजनरेट कर लेता है। ये बहुत ही खास बात हमें देखने को मिलती है सी कुकुम्बर में। तो यहाँ पर हमने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सी कुकुम्बर का ई विश्लेषण इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से दिखाया हुआ है। फाइलम एकिनोडर्मेटा की चौथी क्लास क्रिनोइडी है, और इसमें सी लिलीज बिलोंग करती हैं इस क्लास को। यहाँ पे एक सी लिली का हमने डायग्राम दिखाया हुआ है, तो बिल्कुल जैसे लिली फ्लावर होता है ये ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल उसी तरह से इनका अपीयरेंस होता है। और एक खास बात बता दें इन ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, ये ससाइल होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं, ये मूव नहीं करते। तो ये इस क्लास की खास बात है कि इस क्लास के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ससाइल हैं, फिक्स्ड हैं, जबकि बाकी जो क्लासेस हमने देखी हैं उनमें मूविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, लेकिन इस क्लास के ऑर्गेनिजम्स ससाइल होते हैं। अगर आप पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ हमने एक और छोटा सा डायग्राम दिखाया हुआ है सी लिली का। एक और बात बता दें, सी लिली का जो साइंटिफिक नेम होता है उसे हम एंटीडॉन कहते हैं, एंटीडॉन इसका जीनस नेम है। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसकी आर्म्स हैं सी लिलीज की, और ये सेंट्रल डिस्क है जिससे ये आर्म्स कनेक्टेड हैं, और ये एक होल्ड फास्ट लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सिराई कहते हैं। तो इस सिराई की हेल्प से ये अपने सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट क्लास क्रिनोइडी के बारे में।